हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज की जो ब्लॉग में है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू डिफरेंट स्टाइल दुपट्टा टकिंग और लहंगा। लहंगे पे दुपट्टे की टकिंग कैसे करें डिफरेंट स्टाइल में, वो चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। वेडिंग सीजन आ चुका है और चाहे घर की शादी हो बाहर की, तैयार तो होना ही है। और लहंगा तो सबका फेवरेट वन हो जाता है, बिकॉज लहंगे में एक डिफरेंट लुक दिखता है। हम रेगुलर वेस्टर्न ड्रेस ट्राई करते हैं, पर शादी में ना लहंगा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लहंगा और साड़ी। तो आज मैं लहंगे के ऊपर शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट डिफरेंट दुपट्टा टकिंग, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कि हम लोग तो सोच लेते कि हमें पहना तो लहंगा है, बट सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कैसे दुपट्टे को ड्रैप करें जिससे हमें लहंगा पहन के और डांस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज़ दुपट्टे को कैरी करना और साथ में डांस करना, पार्टी इंजॉय करना, तो उसमें कई बार हो जाता है कि जिससे मुश्किल होती है दुपट्टे को कैसे ड्रैप करें जिससे हमारा दुपट्टा फंसे नहीं, फंसे लुक लगे डिफरेंट और न्यू स्टाइल। तो वही ओल्ड वाला टाइप मैं कुछ यहाँ पे नहीं रिपीट करूँगी, कुछ न्यू ही होगा जो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, डिफरेंट होगा, न्यू होगा और जो आपको बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके के और भी वीडियोज और ब्लॉग्स देखने को मिलते रहे। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पे फर्स्ट नंबर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पहले मैंने दुपट्टे को इस तरीके से ओपन कर लिया पूरा, उसके बाद पीछे ले जाके इसके बाद इसके दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए हम यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। इस तरीके से करेंगे ताकि पिन ऊपर ना दिखे और दोनों आराम से अटैच हो जाए और इस तरीके से दोनों का बॉर्डर दिखे। और उसके बाद इस तरीके से हम इसको जैकेट टाइप में इस तरीके से पीछे की तरफ करके पहन लेंगे। यदि आपके बाल खुले हैं तो आप बालों को उठाते हुए अच्छे से अटैच कर लें, और यदि आपने बन बनाया फिर तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप इसको जैकेट के तरीके से पहन सकते हैं। मेरा दुपट्टा लहंगे से डिफरेंट है भी कलर इसका थोड़ा सा, बिकॉज मैंने यहाँ पर बॉर्डर वाला दुपट्टा लिया। इसका दुपट्टा पतला नॉर्मली था क्योंकि ये श्रग था ऊपर से, इस पर दुपट्टा नहीं था, तो यहाँ पर मैंने दूसरे दुपट्टे को इस तरीके से अटैच किया क्योंकि मुझे आप लोग के साथ दिखाना। तो उसके बाद मैं नॉर्मली उसी दुपट्टे को उठाती हूँ और उसको पिन जैसे लगा लगे रहने देते, और उसके बाद मैं इस तरीके से उसको एक साइड अपने से अटैच कर देती। देख सकते हैं कि तरह बिल्कुल डिफरेंट, और इसका जो बॉर्डर है वो भी सामने से निखर के आ रहा है और वर्क बॉर्डर है तो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद यदि आप चाहें तो इस तरीके से आप बेल्ट भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे बेल्ट सेम कलर का नहीं था तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का बेल्ट यूज़ किया। अगर आपके पास गोल्डन या सिल्वर कलर हो, मीन्स आपके ड्रेस से मैच होता हुआ, तो भी अच्छा। इससे की बेल्ट लगाने में आप पूरी फ्री हो जाते हैं और आराम से आप डांस कर सकते हो और आपको दुपट्टा कैरी करना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। थर्ड स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये सिंपल सा इस तरीके से मैं दुपट्टे को पूरा ओपन करके एक साइड कंधे पे पिनअप कर लूंगी। उसके बाद मैं राइट साइड से इसे घुमाते हुए और इस अपनी वेस्ट में अच्छे से टक कर लेंगे पिनअप से, चाहे आप नॉर्मली अपने लहंगे में टक कर दें। आपके पास से थोड़ा लूज होते हुए इस तरीके से करना है और उसके बाद अपने हाथों पे एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं इसका एक लुक और तैयार हो गया, और इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं, देखने में काफ़ी डिफरेंट और स्टाइलिश लग रहा है। हम हाफ एंड हाफ दुपट्टे को करके लेंगे ताकि ये जो हमारा सामने वी शेप में नीचे बॉर्डर बन के आता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। नेक्स्ट स्टेप देख लेंगे, तो यहाँ पे मैंने दुपट्टे को पूरा ओपन कर लिया। उसके बाद मैं इस तरीके से इसको पतले प्लेट्स बनाएंगे, उसके बाद दोनों प्लेट्स को अटैच कर लेंगे इस तरीके से कि आपका जो बॉर्डर हो ऊपर आ जाए। मैंने इस तरीके से किया है, मेरे दोनों बॉर्डरों को मिलाते हुए मैंने पिन लगाया ताकि वो पूरा बॉर्डर ही समझ में आए, उसका दुपट्टे का जो बाकी कपड़ा है वो अंदर रह जाए और इस तरीके से केवल बॉर्डर सोते हुए। उसके बाद यहाँ स्टमक के पास दुपट्टे को अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि ये लूज ना हो और इधर उधर फैले नहीं। दुपट्टा थोड़ा शॉर्ट रखेंगे आगे लंबा, उसको घुमाते हुए इस तरीके से कमर में अच्छे से टक कर लेंगे इसके बॉर्डर को, और इस तरीके से लास्ट इसका लुक है कि ये सही है, जो मतलब लोग चाहते हैं कि हमारी कमर ना दिखे, और इस तरीके से आप ट्रैप करते हो तो आपकी कमर भी छिप जाती और दिखती भी नहीं। और लास्टली यदि आप चाहें तो इस तरीके से बेल्ट भी अटैच कर सकते हैं, और बेल्ट लगाने के बाद भी इसका लुक एकदम बढ़िया दिख निकल के आता है। चाहें अटैच कर सकते हैं या नहीं भी, मैं तो यहाँ पर दूसरे बेल्ट को आपको ओनली दिखाने के लिए कि आप इस तरीके से अपने कपड़े से मैच होता हुआ, ड्रेस से मैच होता हुआ बेल्ट भी लगा सकते हैं, जो कि बेल्ट लगाने के बाद इस तरीके से देखने से बहुत ही प्यारा और फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है, और इस तरीके से भी आप दुपट्टे को स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे दुपट्टे को दोनों साइड बराबर रखेंगे और जैसा पिनअप था वैसे ही पिनअप करके इसके दोनों बॉर्डर को बस ओनली शो करना है कंधे पे, और उसके बाद इस तरीके से हम वेस्ट बेल्ट लगा लेंगे, और इसको देख सकते हैं इस तरीके से फिनिशिंग हो चुका है, और इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है।
तरीके से दुपट्टा स्टाइल करने पे ना आपको दुपट्टा कैरी करने वाली झंझट नहीं होगी और फ्री होके आप डांस कर सकते हो, मींस वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे कैरी करे दुपट्टे को। नेक्स्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दुपट्टे को लिया और इस बार इस साइड में दुपट्टे का जो सामने वाला सामने के साइड का जो पल्ला होगा उसको हम इस तरीके से अपनी कमर में अटैच कर लेंगे, वो भी हम अपने लहंगे से करेंगे। उसके बाद एक पिनअप कर लेंगे कलाई के पास में और इस तरीके से देख सकते हैं इसका, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये भी लगता है देखने में और इस तरीके से आपका लुक हो जाता है। बॉर्डर है तो इसकी वजह से बहुत है और इसमें भी आप फ्रीली होकर आराम से डांस कर सकते हैं, मीन्स ये कहीं फंसता नहीं है। जितने दुपट्टे के स्टेप शेयर किए हैं वो मतलब आप उसमें कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, मीन्स आप फ्री रहते हो पूरी तरीके से। यहाँ पे एक न्यू स्टेप और शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने दुपट्टे का जो कॉर्नर का होता है उसे लेके और इस तरीके से अपने लहंगे के साथ सेट कर लेंगे और उसके बाद पीछे से उसके बॉर्डर को लाते हुए सेम उसी जगह पे लहंगे को इस तरीके से बॉर्डर को अटैच कर लेंगे और पीछे इस तरीके से रहेगा जो मतलब काफ़ी देखने में लुक इसका बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरा दुपट्टा थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा है इस वजह से थोड़ा सा नीचे तक लूज़ हो जाए, अगर थोड़ा सा नॉर्मल जो लेंथ होती है इसकी वो होगा तो ये बहुत और अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रोच की जगह जो यहाँ पे मैंने कमर के पास में जस्ट टक किया अपनी नाभि के पास में, तो वहाँ पे मैंने एक ब्रोच की जगह, ये ब्रोच नहीं था मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे अपनी एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स को लेके यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर दिया जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे हम ट्राई करेंगे सिंपल एलिगेंट स्टाइल, मीन्स एकदम सिंपल है कि मैंने दोनों कंधों पे दोनों बॉर्डर को इस तरीके से सेट कर लिया, पिनअप कर लिया और हाथों पे इस तरीके से थोड़ा सा लूज छोड़ दिया जो देखने में काफ़ी अच्छा ये भी लग रहा था। आप इस तरीके की भी स्टाइल को ट्राई कर सकते हैं जो कि नॉर्मली चलता ही रहता है और देखने में अच्छा भी लगता है, मतलब बुरा नहीं लगता और इसमें भी आप फ्री रहते हो, मतलब मीन्स आपका पिनअप है तो फिर आपकी दुपट्टे फिसलते नहीं या आगे की तरफ गिरते नहीं, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेंगे कि एक साइड जैसे मैंने दोनों साइड पिनअप किया था उसी तरीके से रहेगा और इस साइड के पल्ले को इकट्ठा करते हुए और उसे भी पिनअप से साइड राइट साइड में ही अटैच कर लेंगे कंधे पर और लेफ्ट साइड के हाथों पे इस तरीके से लूज छोड़ते हुए इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो जो कि देखने में ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक साइड का आपका हो गया और इसको कैरी करने में भी कोई दिक्कत नहीं बिकॉज ना ये भी नहीं लूज होता, मीन्स ये भी फंसता नहीं है, आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। सिंपल और लुकिंग व्यूज देख लेंगे। हाँ, मैंने पीछे से अपने दुपट्टे को सामने की साइड लाते हुए इसके दोनों जो बॉर्डर्स हैं उसको हाफ बॉर्डर को कलाई के पास इस तरीके से सेट कर लेंगे, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है और इसका जब आप मतलब फोटो वगैरह खिंचाते तो ये आपके जो दोनों बॉर्डर हैं इस तरीके से सामने आते हैं। इस पर दुपट्टा थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, थोड़ा शॉर्ट हो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा दुपट्टा काफ़ी लेंदी था तो थोड़ा सा इस तरीके से था, आप इस तरीके की भी स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। दुपट्टे देख लेंगे कि यहाँ पे मैं फिर से पतली पतली बॉर्डर बनाऊंगी और उसके बाद दोनों बॉर्डर को अटैच करते हुए बीच में पिनअप कर दूंगी और यहाँ पे मैं तीन पिन का यूज कर रही हूँ ताकि जो मेरे दुपट्टे हैं उसकी प्लेट अच्छे से एडजस्ट हो जाए और फैले नहीं। और इस तरीके से मैंने बॉर्डर पे अटैच करते हुए उसके बाद उसके दूसरे बॉर्डर को इस तरीके से अपनी कमर के पास से लाते हुए और यहाँ पे सेट कर लेंगे, चाहे आप टक कर लें चाहे पिन कर लें उसके बॉर्डर के कॉर्नर को और इस तरीके से आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट बेल्ट का यूज करेंगे, आपकी मर्जी, मैंने जैसे बताया यहाँ पे तो मैंने ओनली दिखाने के लिए बेल्ट का यूज किया है, आपकी मर्जी आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लेकिन लगाने के बाद इसकी एक अलग फिनिशिंग और बढ़िया लुक आता है तो इसलिए जरूर ट्राई करना है इस तरीके का भी लुक जो देखने में काफी डिफरेंट और बहुत ही प्यारा रहता है। इसमें भी आप बहुत फ्री रहते हो और आराम से डांस कर सकते हो, पार्टी फुल्ली इंजॉय कर सकते हो, दुपट्टे फंसते नहीं और ना दुपट्टे को संभालने की झंझट होती है, तो ये भी काफी ब्यूटीफुल लग रहा है और इस तरीके से देखो मैं भी काफी फ्री हूँ। अभी हम नेक्स्ट और फाइनल देख लेंगे। तो यहाँ पे पिन था, वो पिनअप था दुपट्टा, उस दुपट्टे को नॉर्मली वैसे ही पिन ही था और उसके बाद मैंने इसके बॉर्डर को इस तरीके से अपनी गर्दन पे रख लिया है और इसका केवल बॉर्डर शो होना चाहिए, बाकी कपड़ा दुपट्टा बॉर्डर के अंदर और बाकी केवल गले पे बॉर्डर ही शो होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हो जो कि बहुत दिखने में अच्छा रहता है और आप इसमें भी फ्रीली होकर आराम से डांस भी कर सकते हो, तो ये लुक बहुत ही सिंपल और ईजी है, इसे भी ट्राई कर सकते हैं।
होप कि गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो पसंद आएगी तो फटाफट लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ताकि स्वेडिश रीजन इस तरीके के स्टाइल सभी जिन्हें नहीं आता, जो न्यू वन हो वो ट्रैप कर सके। मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा स्टाइल इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरीके के और वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहें। और मुझे बताना कि मैं इस ग्रीन ड्रेस में कैसे लग रही हूँ। लास्टली बता दूँ, ये मतलब मैच तो कर रहा था, पर ये मतलब थ्री पीस का मतलब सेट था, और ये दुपट्टा अलग से है, तो मैंने इसको इसके साथ मतलब अटैच किया, बहुत ब्यूटीफुल जो लग रहा था। तो चलो आज की वीडियो को ये स्टॉप करते हैं। मैं और मेरा ड्रेस और मेरे स्टाइल और मेरे इस तरीके की ट्रैपिंग स्टाइल कैसे लगे आप सब कुछ मुझे कमेंट में करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।